छिंदवाड़ा पांडुना संसदीय क्षेत्र के सांसद रेगबंटी साहू ने बागेश्वर धाम पहुंचकर किया दर्शन, पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी से लिया आशीर्वाद। छिंदवाड़ा प्रेस एसोसिएशन के चुनाव हुए संपन्न, सर्वसम्मति से सभी पदों पर निर्विरोध चुने गए पदाधिकारी, वरिष्ठ पत्रकारों के साथ साथियों ने दी शुभकामनाएं। कृषि अनुसंधान केंद्र चंदनगांव में आयोजित ताजे पानी में मोती की खेती प्रशिक्षण का हुआ समापन, जबलपुर संभाग कमिश्नर व कलेक्टर हुए कार्यक्रम में शामिल। और छिंदवाड़ा गौरव दिवस पर कार्यक्रम की प्रस्तुति देने छिंदवाड़ा पहुंची सिंगर इशिता विश्वकर्मा, पत्रकारों से चर्चा कर दी जानकारियां। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिनभर की तमाम खबरें लिए आपके साथ मैं दीदी शुक्ला। शुरुआत करते हैं खबरों की। छिंदवाड़ा पांडुना संसदीय क्षेत्र के सांसद रेगबंटी साहू बुधवार को बागेश्वर धाम पहुंचे। यहां उन्होंने बागेश्वर धाम बाबा जी महाराज के दर्शन किए और परिक्रमा लगाकर माथा टेका। इसके बाद उन्होंने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी से मिलकर उनसे भी आशीर्वाद लिया। इस दौरान श्री साहू ने कहा कि यह देश और दुनिया के लोगों के आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। यहाँ भक्तों की आस्था देखकर मैं अभिभूत हूँ। महाराज जी से मिलकर ऐसा लगा जैसे मेरे जीवन का सबसे अच्छा वक्त है और मैं बार बार बागेश्वर धाम आऊंगा। यह अद्भुत स्थान है। बालाजी की कृपा हमारे छिंदवाड़ा पांडुना संसदीय क्षेत्र पर बनी रही, यही उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया है। गुरुवार को छिंदवाड़ा प्रेस एसोसिएशन के चुनाव में सर्वसम्मति से सभी पदों के लिए निर्विरोध निर्वाचन संपन्न हुए। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को चुनाव अधिकारी, प्रेस क्लब पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार गोविंद चौरसिया एवं वरिष्ठ पत्रकार प्रेस क्लब पूर्व अध्यक्ष आरएस वर्मा ने निर्वाचन की घोषणा के बाद प्रमाण पत्र वितरित किए। प्रेस एसोसिएशन के चुनाव अधिकारियों ने बताया कि नियमानुसार 5 पदों के लिए निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न हुई, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सह सचिव के लिए एक एक नामांकन पत्र प्राप्त हुए थे, लेकिन सचिव पद के लिए 2 नामांकन पत्र प्राप्त हुए थे। संगठन के सदस्यों की सर्वसम्मति के बाद सचिव पद के एक प्रत्याशी ने अपना नाम वापस लेकर सर्वसम्मति से निर्वाचन की सहमति दी। छिंदवाड़ा प्रेस एसोसिएशन में अध्यक्ष पद के लिए महेंद्र राय, कंटेंट एडिटर ईटीवी भारत, सचिव के लिए अविनाश सिंह बैस News 24 जिला ब्यूरो चीफ, कोषाध्यक्ष के लिए आनंद सूर्यवंशी Bharat 24 जिला ब्यूरो, उपाध्यक्ष के लिए मुकेश तिवारी जिला ब्यूरो विस्तार न्यूज और सह सचिव के लिए अनंत श्रीवास्तव EMS जबलपुर एक्सप्रेस निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए। इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार ग्लोबल न्यूज चैनल के डायरेक्टर अशोक चौकसी ने कहा कि छिंदवाड़ा प्रेस एसोसिएशन के गठन का उद्देश्य पत्रकारों के हितों के लिए किया गया है। इसमें कठिनाइयां बहुत आएंगी, लेकिन हम सब मिलकर उनसे डटकर लड़ेंगे और पत्रकारों के हितों के लिए काम करेंगे। वहीं सभी पदाधिकारियों ने कहा कि उन्हें जो भी जिम्मेदारी संगठन के सदस्यों के द्वारा दी गई है, वे सभी के सहयोग से मिलकर पत्रकारों के हित में काम करके निभाने का प्रयास करेंगे। पर हमें सबके हितों का ख्याल रखते हुए जो है अपने एसोसिएशन को बढ़ाना है, जिससे कि हम किसी पत्रकार के साथ अन्याय ना हो और पत्रकारिता में जो है हमारी जिले का नाम जो है ऊँचा होता रहे। जैसा कि हमें दायित्व दिया गया था 2 वर्ष के लिए निर्वाचन के लिए, सर्वसम्मति से निर्वाचन जो है निष्पक्ष रूप से हमने करवाया, निर्विरोध कराया। अब दायित्व आपके कंधों में है। प्रेस एसोसिएशन अपनी इज्जत कैसी बनाती है, पत्रकारों का हित कैसी करती है, शासन जनप्रतिनिधियों सहयोग कैसे लेती, आपके ऊपर निर्भर है। मेरा अपना मानना है यदि हम विश्वास पर खड़े उतरेंगे, कलम को पहनी रखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, पहनी और सच्चाई की ओर जाएंगे, तो ऐसा कोई वक्त नहीं आएगा कि जो अपने ऊपर हाथ दिखा सकता है। पत्रकारिता और पीठ पत्रकारिता, हम किस मार्ग पे हैं, किस मार्ग पे चलेंगे, ये हमारे जमीर के ऊपर टिकी हुई बात है। मैं आपको समझाऊँ, ऐसी कोई बात नहीं कि आप ना समझ सकते।
लेकिन मेरे जिंदगी के 52 साल पत्रकारिता में गुजरे साल ये आपको सुनकर आज ताजुब होगा। सबसे पहले जब हमने प्रेस परिषद बनाई थी राजा हलदुलकर जी उस जमाने में, जी हैं गोविंद भाई हैं, हम लोग बहुत उम्र में आप ही की तरह थे, जवान थे 52 साल पहले, और हमने भी गलत लोगों का बहुत बड़े बड़े पत्रकार उस जमाने में, हम बहुत छोटे लोग थे, मगर हमने पुरजोर उन बातों का विरोध किया जिससे पत्रकारों का आर्थिक हनन होता है, सामाजिक हनन होता है, भौतिक हनन होता है, और नाना प्रकार के उनके जो अधिकार हैं वो कुछ लोगों के हाथों में आ गए। पत्रकार की जो स्थिति है आज, जो भाई ने और सब लोगों ने बोले कि आम आदमी की स्थिति है, आम आदमी की स्थिति भी अच्छी होती है, हम तो दागदार लोग हैं, कुछ ना करें तो भी दाग लगे। मैंने समय चक्र भी चलाया, आगणित पद भी चलाया, जनचित्कार बुलेटिन भी निकाली, दुनिया भर के लोगों से, बड़े बड़े लोगों से, लेकिन बीच में जब मैं देख रहा हूँ पिछले 10 साल में जो गिरावट आई है, और हमने जो एक समूह में बातचीत करके पत्रकारों के बीच में बात रख के प्रेस क्लब बनाया, ये प्रेस क्लब किसी की बकौती है क्या? ये 10-5 लोगों ने बकौती बना लिया है, क्या हमको उसके पीछे चलना है? हम कोई भेड़ हैं क्या? हम सबसे बुद्धिजीवी लोग हैं, फुलमुल करने से कुछ नहीं होगा। अगर ये क्लब बना है आप और आपने लोगों को चुना है, मैं उनको सबसे पहले हार्दिक बधाई दे, फिर से आपकी बधाई दे, लेकिन रहा बहुत कठिन है, रहा कठिन है, आपको उस बिल्डिंग के ऊपर भी उसकी बात भी करनी होगी। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के तहत रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, ये कार्यकारिणी को अगर रजिस्टर्ड होगी तो इससे बढ़ के और कोई अच्छी बात नहीं। हम क्या ऐसे ही होटलों के अंदर अपनी प्रेस क्लब की बात कर रहे हैं? कौन एथेंटिक है कौन एथेंटिक नहीं है ये अलग बात है। एक समय हम कलेक्टर साहब से सारे लोग मिले, कमिश्नर से मिले, आईजी से डीआईजी से मिले, और सीधी बात रखें अपनी, और हम जब भी कोई प्रोग्राम होते हैं तो हमको वो जगह खाली मिलनी चाहिए, हमारे लिए वो करें उपयोग, हमको उनसे कोई गुरेज नहीं है, उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, उनसे कोई बेमानसता नहीं है, लेकिन अधिकार तो हमारा भी है, हम बेहतर कर सकते हैं, मेरे लिए नहीं तेरे लिए नहीं अपने लिए। जब तक हम नहीं बनेंगे ये मुट्ठी नहीं बनेगी। ये बड़ा ये जो चीज़ दिख रही है ना, ये सांसारिक तौर पे नहीं, सनातन युग से चीजें चले आ रही हैं। ये जो है दिस इज द सिंबल ऑफ एक्स्ट्रा पावर। पत्रकारों के पास जो ये मुट्ठी है खुल जाती है ना तो बहुत से लोग नंगे हो जाते हैं, और बंद रहती है तब तक ही समाज में उनकी मर्यादा रहती है। हमको किसी के पीछे नहीं जाना, हमको हमारी इस कोम को बेहतर तरीके से स्वयं में मजबूत करना। शिक्षण का चुनाव जो निर्धारित था वो चुनाव पूरी तरह से संपन्न हुआ, सभी पदों के लिए आवेदन आए और उन आवेदनों पे प्रेस एसोसिएशन के जो सदस्य हैं सभी ने निर्विरोध सभी पदों पे निर्विरोध निर्वाचन किया है, जिसमें अध्यक्ष के रूप में महेंद्र राय जी चुने गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उपाध्यक्ष के रूप में वरिष्ठ पत्रकार मुकेश तिवारी जी चुने गए हैं, और सचिव के पद पर अविनाश सिंह चुने गए हैं जो कि मैं खुद हूँ, और सह सचिव के पद पर चुने गए हैं अनंत श्रीवास्तव, कोषाध्यक्ष के पद पर चुने गए हैं आनंद सूर्यवंशी। ये चुनाव की प्रक्रिया जो है ये गोविंद चौरसिया जी वरिष्ठ पत्रकार और आरएस वर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, दोनों ही मुख्य चुनाव अधिकारी और सहायक चुनाव अधिकारी थे, इनके अशोक चौकसे जी इनके नेतृत्व में ये चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई। आज चुनाव संपन्न हुए हैं और नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है,
जिसमें सभी को प्रमाण पत्र भी वितरण किए गए हैं। आज से ही नई कार्यकारिणी अपना कार्यकाल शुरू कर रही है। 2 वर्षों के लिए ये चुनाव हुए हैं, 2 वर्ष बाद फिर से चुनाव प्रक्रिया इसमें की जाएगी। छिंदवाड़ा प्रेस एसोसिएशन लगातार पत्रकार हित में काम करेगा और पत्रकारों की जितनी समस्याएं हैं उन समस्याओं के निराकरण के लिए प्रेस एसोसिएशन काम करेगा। छिंदवाड़ा प्रेस एसोसिएशन का गठन पत्रकार हित, जो कि कहीं ना कहीं पत्रकार पिछड़ रहा था और पत्रकार के हितों की बातें नहीं हो रही थी, उन पत्रकारों के हितों की बातों को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रेस एसोसिएशन के चुनाव संपन्न हुए और आगे इसकी कार्रवाइयां जारी रहेंगी। कृषि अनुसंधान केंद्र चंदनगांव में आज 2 दिवसीय ताजे पानी में मोती की खेती पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यशाला का समापन हुआ। इस मौके पर जबलपुर संभाग कमिश्नर अभय वर्मा व कलेक्टर शीलेंद्र सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे। ताजे पानी में मोती की खेती के 2 दिवसीय प्रशिक्षण में सिवनी, बालाघाट, जबलपुर, छिंदवाड़ा के किसानों को विषय विशेषज्ञों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इसी तारतम्य में ताजे पानी में मोती की खेती विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हम लोगों सीखा है उसका उत्पादन करके दिखाएं और अपने जीवन को भी ठीक करें, साथ में एक नया इनोवेशन के रूप में, जैसा मैं अभी आप लोगों से बात कर रहा था, उस पर काम करें जिससे कि न केवल आपका, आपके ज़िले का भी और आपके प्रदेश का भी नाम इसमें हो कि हम लोग मध्य प्रदेश में भी मोती उत्पादन कर सकते हैं और अच्छी क्वालिटी का उत्पादन कर सकते हैं। जैसे अचल जी ने अभी बताया, इसकी कीमत इसकी क्वालिटी पे कई गुना बढ़ जाती है, वो निर्भर करेगा आपकी मेहनत पर, आपका देख रेख पर। तो मैं आप सबसे यही अनुरोध करूँगा कि इसको निश्चित तौर पर अपनाएँ और अच्छी मेहनत करके अच्छी गुणवत्ता के मोती उत्पादन में आप लोग सहयोग करें। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करता हूं माननीय कमिश्नर साहब का कि मैंने 5 मिनट के लिए उनने अनुरोध किया और उन्होंने मेरे संक्षिप्त से अनुरोध पर अपनी स्वीकृति देकर यहां उपस्थिति दी। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं इसके लिए। थैंक यू। मुझे आज आते वक्त, जबलपुर से आते वक्त मुझे सूचना मिली कि आप लोग इस तरह का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ आयोजित है, मुझे बहुत खुशी हुई। खुशी 2-3 महीने में हुई कि छिंदवाड़ा जैसे जगह में पर्ल के खेती के संबंध में ट्रेनिंग दी जा रही है, वो मध्य प्रदेश में पहला है। साथ ही साथ आज जहाँ रोजगार की बहुत दिक्कत है, सरकार सबको रोजगार दे नहीं सकती है, तो स्वरोजगार एक सबसे अच्छा उपाय है जिसमें अपने हम जिंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं। और साथ ही साथ इस नए प्रोजेक्ट में आप लोग जुड़े, ये तीनों बिंदुओं से मुझे बहुत खुशी हुई कि छिंदवाड़ा में बहुत अच्छा काम हो रहा है इस दिशा में। आज जैसे बताया गया कि 2 दिनों का ट्रेनिंग है, उसमें आप लोग, मेरा अनुरोध रहेगा अच्छे से आप ट्रेनिंग लें और सिर्फ इसको फॉर्मेलिटी ना रखें, औपचारिकता ना रखें, जाके इसको सही में आप करने की कोशिश करें। शुरू में लगता है कि बहुत लंबा ड्यूरेशन है, 18 महीने का समय है ये है, लेकिन जो प्रॉफिट मार्जिन जैसा बता रहे थे, जो इस बिजनेस से जुड़े हुए हमारे जो बंधु हैं, काफ़ी अच्छा है। अगर अच्छा आप काम करेंगे तो वो लाखों में भी जा सकता है। तो मेरा आपसे अनुरोध रहेगा जो ट्रेनिंग आपने लिया है इसको सही फील्ड में जाकर उसको सही ढंग से इम्प्लीमेंट करें। और साथ ही साथ कृषि विज्ञान केंद्र भी धन्यवाद के पात्र हैं कि छिंदवाड़ा उन्होंने इस तरह का एक इनोवेटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया। मुझे उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में इस तरह के और भी कार्यक्रम वो करते रहेंगे। धन्यवाद। कृषि विज्ञान केंद्र छिंदवाड़ा में ये मोती पालन का जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ये माननीय कलेक्टर साहब के निर्देशन में जो है शुरुआत हुई है और हमारे केंद्र के वैज्ञानिक जो है, बहुत योग्य वैज्ञानिक है, वो जो है इस प्रशिक्षण को जो है दे रहे हैं और प्रशिक्षणार्थी भी बड़ा, मुझे लग रहा है कि बड़े इंटरेस्ट से साथ जो है इस प्रशिक्षण को ग्रहण कर रहे हैं और निश्चित रूप से वो जो है इसको एक उद्यमी के तौर पर जो है इसको प्रशिक्षण को अपनाएंगे। और ये और हर्ष का विषय है कि माननीय कलेक्टर साहब के निर्देशन में जो है ये कार्यक्रम जो चल रहा था और खुशी की बात है कि हमको जो है माननीय आयुक्त महोदय ने जो है समय दिया
और उनका भी मार्गदर्शन हमको जो है मिला इस प्रशिक्षण में जो है, और वो हमारे लिए बहुत ही लाभकारी होगा। और निश्चित रूप से जो है जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं वो प्रशिक्षण यहाँ से लेकर जाएंगे और निश्चित रूप से इसको एक व्यवसायिक तौर पर जो है अपनाएंगे, ऐसा मैं जो है। सर लगभग कब से चल रहा है ये प्रशिक्षण जो है? कल दिनांक से जो है, चार तारीख से जो है शुरुआत हुई है, जिसमें जो है कल का सैद्धांतिक जो है प्रशिक्षण दिया गया था और आज जो है ये प्रैक्टिकल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और सारा पूरे ऑपरेशन पूरे जो है एक एक करके जो है इसको सब प्रशिक्षणार्थियों को पूरे ऑपरेशन करके जो है बताया जा रहा है। और निश्चित रूप से जो है ये प्रायोगिक प्रशिक्षण है आज का, तो इससे पूरा का पूरा लाभ लेंगे जो है। छिंदवाड़ा गौरव दिवस पर छिंदवाड़ा में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में प्रस्तुति देने इंडिया गॉट टैलेंट की रनर अप 2019 की सारेगामा विजेता सिंगर इशिता विश्वकर्मा छिंदवाड़ा पहुंची। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इशिता ने कहा कि मध्य प्रदेश की संस्कारधानी महाकौशल की भूमि का जो आशीर्वाद है, हम दुनिया में कहीं भी चले जाएं संघर्ष करने में मदद करती है। युवाओं और साथियों के लिए उन्होंने कहा कि संघर्ष करते रहिए, सफलता एक दिन जरूर हाथ लगेगी। हर्ष का विषय है कि हमारे छिंदवाड़ा गौरव दिवस के अवसर पर जो सांस्कृतिक संध्या का जो कार्यक्रम मिला है उसमें सारे गामा पर 2019 की विनर और इंडियाज गॉट टैलेंट की रनर इसी तरह विश्वकर्मा जी हमारे बीच पहुंची है और इसी तौर पर छिंदवाड़ा में आज सुमधर अपनी प्रस्तुति देंगी। इस कार्यक्रम में हमारे सांसद विवेक बंटी साहब जी, वाजपेयी जी, और तमाम अधिकारीगण जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहेंगे। मैं आप सबके माध्यम से स्वागत करना चाहता हूँ और सभी से अपील करता हूँ कि सभी शाम 7 बजे पहुँच कर।
नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा के नगर गौरव दिवस के कार्यक्रम में गुरुवार को प्रातः महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया गया। इसके साथ ही जनप्रतिनिधियों ने प्रतिमा स्थल पर सफाई भी की। माल्यार्पण का आरंभ पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा से हुआ। इसके बाद क्रमशः बाबू जगजीवन राम, शहीद स्मारक छत्रपति शिवाजी, महात्मा गांधी, मेजर अमित ठेंगे, रानी दुर्गावती एवं सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमाओं पर पुष्प एवं माल्यार्पण किया गया। इसके उपरांत महापौर विक्रम आहके ने तीज के अवसर पर विसर्जन कुंड की तैयारियों का भी निरीक्षण करते हुए साफ सफाई कराने के लिए निर्देशित किया। इस दौरान महापौर विक्रम आहके, भाजपा अध्यक्ष शेषराव यादव, पार्षदगण राहुल उइके, संदीप यादव, भूरा भावरकर, वरिष्ठ नेता विजय झांझरी, जगेंद्र अल्डक, राकेश माइकल पहाड़े, मनोज सक्सेना सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी एवं आमजन उपस्थित रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे अमर रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे अमर रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे अमर रहे। छिंदवाड़ा गौरव दिवस के अवसर पर छिंदवाड़ा में विगत 1 तारीख से गौरव दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें शहर के तमाम जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण और आम जनता इसमें भागीदारी दे रही है। आज हमने गौरव दिवस के अवसर पर सभी शहर के महापुरुषों की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष आदरणीय शेषराव यादव जी, आदरणीय प्रदेश कार्य समिति के सदस्य विजय झांझरे जी, हमारे आयुक्त महोदय राय साहब, सभी समस्त हमारे सभापति पार्षदगण और अधिकारी निगम के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित हैं। दिवस के उपलक्ष्य पर आयोजित ये महापुरुषों के मूर्तियों की सफाई और माला अर्पण का कार्यक्रम आज नगर निगम द्वारा आयोजित हुआ और शहर की व्यवस्था भी देखी नगर निगम ने। और परसों पूजा है, इसको लेकर ये कुंड की सफाई से लेकर इसका साफ सफाई और सौंदर्यकरण भी होगा, ताकि लोगों को असुविधा न हो। शहर की जनता पूजा चिराने के लिए व्यवस्थित आए और अपने कुंड में ही, क्योंकि ये जो छोटा तालाब है इसकी सुंदरता बनाए रखना हमारा सबका, सरकार के साथ साथ नगर निगम के साथ साथ पूरे नागरिकों का काम है। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि जो श्रद्धालु आते हैं, अपना पूजा विसर्जित करने आएंगे, मूर्ति विसर्जित करेंगे, वो एक जगह जो नियुक्त की है उसी में करें, ताकि वो सुरक्षित रहे, अच्छा रहे, आपका धार्मिक आयोजन भी सफल हो और शहर का वातावरण भी सुंदर रहे। इसमें सबकी महती भूमिका है। धन्यवाद। संगीत की दुनिया में अपना नाम रोशन करने वाली इशिता विश्वकर्मा और तेजल विश्वकर्मा के छिंदवाड़ा आगमन पर त्रिशक्ति राष्ट्रीय मंच ने उनका सम्मान किया। संस्थापिका श्रीमती शरद मिश्रा ने बताया कि संस्कार धानी में पली बढ़ी सुरमई इशिता विश्वकर्मा, जिन्हें देश विदेश में मान सम्मान पुरस्कार मिले हैं, जबलपुर की आधार कलकल निनादित माँ नर्मदा मैया की लहरों की नैसर्गिक संगीत सुनते हुए बड़ी हुई हैं। अपनी प्रेरणा स्रोत सुरीली माँ तेजल विश्वकर्मा और संगीत और हर सांस में बसाने वाले पिता स्वर्गीय अंजनी विश्वकर्मा जी के मार्गदर्शन में गायन के क्षेत्र में उतरने के बाद इशिता ने अपनी प्रतिभा का परचम चारों ओर लहरा दिया। जबलपुर में स्कूल के मंच से लेकर लिटिल चैंप सारेगामा एक तक पहुंची, फिर सारेगामा की विनर भी रही। अपनी आवाज का जादू बिखेरकर इंडियाज गॉट टैलेंट में छोटी लता मंगेशकर जैसी गरिमामय संबोधन भी हासिल किया। इसके बाद तो सफलता के कई सोपानों को चढ़ते आ रही हैं। त्रिशक्ति राष्ट्रीय मंच की मातृशक्तियों ने इशिता विश्वकर्मा एवं तेजल विश्वकर्मा का शॉल पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया और त्रिशक्ति स्वर रंजनी अलंकरण से सम्मानित कर मानपत्र दिया। कार्यक्रम में संरक्षक अनीता तिवारी, नीरजा वाजपेयी, संस्थापिका शरद मिश्रा, कामिनी चंदेल, निशा यादव, ज्योति नेमा, कविता माहौरे एवं समस्त सदस्य उपस्थित रहे। नमस्कार, मैं आप सबकी अपनी इशिता, विनर ऑफ सारेगामा पा, प्लेबैक सिंगर एंड फर्स्ट रनर अप ऑफ इंडियाज गॉट टैलेंट। और आज हम लोग यहाँ आए हुए हैं छिंदवाड़ा में पहली बार, और आज त्रिशक्ति राष्ट्रीय मंच की सभी महिलाएं बहुत सुंदर आज यहाँ पर, उन्होंने इतना अच्छा सम्मान और अलंकरण मुझे दिया और जितना प्यार दिया, जितना प्रेम भाव से वो आई और उन्होंने इतना सम्मान दिया, ये पाकर मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और जो भी वो समाज के लिए कार्य कर रही हैं, उसके लिए मेरी दिल से बहुत सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, और भगवान माता रानी आपको ऐसे ही शक्ति प्रदान करती रहे और मातृशक्ति इसी प्रकार छिंदवाड़ा ही नहीं बाकी पूरे प्रदेश के लिए जो है नाम रोशन करती रहे। बहुत सारी शुभकामनाएं।
खबरों के साथ आपको आराम देने के लिए यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक, जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। आप देखते रहिए सिटी हलचल। भारत भारती विद्यालय, एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहाँ आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और आगे बढ़ते हैं खबरों में। जनसंख्या नियंत्रण एवं स्थिरता हेतु भारत सरकार द्वारा पूरे सितंबर माह में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके चलते स्त्री रोग एवं प्रसूति शास्त्र विभाग सिम्स छिंदवाड़ा के द्वारा एक गीत भी तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से परिवार नियोजन संबंधी जन जागरण किया जाएगा। इस परिप्रेक्ष्य में सिम्स छिंदवाड़ा के स्त्री रोग एवं प्रसूति शास्त्र विभाग के प्रशिक्षु निवासी चिकित्सक तथा शिक्षकगण द्वारा फ्लैक्स, बैनर तथा विविध पोस्टर द्वारा जागरूकता बढ़ाई जा रही है। इसी संदर्भ में विभाग की डॉक्टर अर्चना कोरी, डॉक्टर निधि मखीजा एवं डॉक्टर करिश्मा शांडिल्य की टीम द्वारा विभागाध्यक्ष डॉक्टर सिरपुरकर के मार्गदर्शन में एवं श्री अंकित तिमोथी तथा मास्टर अथर कपाले के संगीत नियोजन में एक सुमधुर सर्वस्पर्शी ज्ञानवर्धक रेडियो जिंगल गीत का निर्माण किया गया है। इसका अनावरण अधिष्ठाता डॉक्टर अभय कुमार सिन्हा द्वारा, सिविल सर्जन डॉक्टर गोनाडे, मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर विपिन जैन तथा वरिष्ठ स्त्री रोग चिकित्सक डॉक्टर शोभा मोइत्रा की उपस्थिति में विभाग की ओपीडी में मरीजों के बीच में किया गया। यह जिंगल गीत हर दिन ओपीडी, लेबर रूम, प्रसूति पूर्व एवं पश्चात तथा समय समय पर आयोजित चिकित्सा कैंप में प्रसारित कर परिवार नियोजन संबंधी जन जागरण किया जाएगा। समझदारी का दो आज उपहार।
परिवार नियोजन अपना कर धरती को फिर से बचाना है, जिम्मेदारी निभाना है, जनसंख्या हमको घटाना है, जिम्मेदारी निभाना है, जनसंख्या हमको घटाना है। ये भारत सरकार द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर के थ्रू नेशनल हेल्थ मिशन को एक इंफॉर्मेशन गई थी, रिक्वायरमेंट गई थी। NHM के थ्रू हमें एक लेटर आया, पत्र, जिसमें उन्होंने बताया कि हमें परिवार जनसंख्या नियंत्रण एवं स्थिरता माह सेलिब्रेट करना है, उसके लिए हमें कुछ उपक्रमों का अपने अपने अस्पतालों में आयोजन करना है, जैसे कि पोस्टर बनाना, बैनर बनाना, रेडियो जिंगल बनाना, जो कि हम इधर उधर परिवार नियोजन के संबंध में मैसेज फैलाने के लिए बना सकते हैं। कैची होने चाहिए, समझने में आसान होने चाहिए पब्लिक के यूज़ के लिए। तो हम लोगों ने इसलिए उपक्रम चलाया और इसमें हमारे संस्था में हम लोगों ने हमारे जो प्रशिक्षु छात्र हैं, इंटर्न्स, वो कुछ विद्यार्थी और कुछ हमारे चिकित्सक, इन लोगों ने बैनर बनाए हैं, जगह जगह हमने लगाए हैं अस्पताल में, और फ्लेक्स बैनर, और वही उन्होंने एक टैगलाइन भी दी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने परिवार नियोजन संबंधी, वो टैगलाइन को हमने डालकर, उसका भी फोटो आपको इसमें दिखेगा हमारे वीडियो में। उसके पश्चात फिर हम लोगों ने पोस्टर का छोटा सा आयोजन किया था, तो हमारे बच्चों ने पोस्टर्स जो बनाए उनका अनावरण 15 अगस्त को हमारे डीन महीम द्वारा किया गया, अधिष्ठाता महीम द्वारा। और फिर हम लोग ये वीडियो बनाने के लिए और ऑडियो बनाने के लिए, जिंगल बनाने के लिए सब इकट्ठा हुए और सबके प्रयास से ये जिंगल बना है। इसको हमने ऑडियो भी बनाया है और वीडियो में भी कन्वर्ट किया। इस के जो नियोजन है उसमें डॉक्टर अर्चना कोरी मेरी सहयोगी, इन्होंने एक्चुअली उसका सारा ड्राफ्टिंग किया है, लिरिक्स का कंपोज किया है, और साउंड और कंपोजिशन मतलब म्यूजिक ध्वनि, इसके लिए हमें थोड़ा तिमोथी जी करके यहाँ के एक स्टूडियो चलाते हैं, म्यूजिक इंस्टीट्यूट चलाते हैं, उन्होंने अथक परिश्रम लेके हमें हेल्प की। ये जो है वीडियो, ये हम लोगों ने CMHO साहब, डॉक्टर CMHO सर जो हैं हमारे, डॉक्टर शास्त्री, कल ही उनसे बात हुई है, तो उन्होंने उसको नगर निगम के थ्रू पेरीफेरी तक पहुंचाने का ठान लिया है, क्योंकि बहुत अच्छा बना है जिंगल, वो ऑडियो जो जगह जगह बजाया जाएगा, जैसे कचरे की गाड़ी का जिंगल बजता है वैसे, ताकि परिवार नियोजन के बारे में पब्लिक में जानकारी फैले। और ये वीडियो के बारे में थोड़ा अर्चना कोरी बता सकती है जी। वीडियो में एक्चुअली मेन तो ऑडियो है, क्योंकि सभी जगह ऑडियो सुनाया जाएगा, पर वीडियो हमने उसको थोड़ा और कैची बनाने के लिए अपने जो अस्पताल में हम जो मरीज देख रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं, कितना सारा मरीजों को उस चीज़ से फ़ायदा हो रहा है, कैसे उन्हें परिवार नियोजन के बारे में बता रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, जैसे कि दो बच्चों के बीच में गैप रखा जाए और कैसे दो बच्चे, हम दो, हमारे दो के हिसाब से परिवार चले, उसके हिसाब से जागरूकता फैलाई जा रही है, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा सभी डॉक्टर्स, सिस्टर्स, जो कि सभी का योगदान इसमें रहता है, उनका छोटा छोटा क्लिप लिया गया है, वो इस वीडियो में इंक्लूड किया गया है ऑडियो के साथ। शिक्षक दिवस के अवसर पर आज शहर के स्कूलों में विद्यार्थियों के द्वारा अपने गुरुओं का सम्मान किया गया, साथ ही रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। भारत में हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाने की परंपरा है। यह दिन भारत के पहले उपराष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपति, विद्वान, दार्शनिक और भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। शिक्षक दिवस पर स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में खास कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, ताकि शिक्षकों के महत्वपूर्ण योगदान को सराहा जा सके। शहर के फर्स्ट स्टेप स्कूल में भी शिक्षक दिवस पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर बच्चों ने शिक्षकों का सम्मान कर उनका आशीर्वाद लिया, साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए।
part. I am Shivi Bharadwaj from class 8 and today I am in front of you all to deliver a few words on Teacher's Day. So as you all know that we all have gathered here to celebrate Teacher's Day and hope that this day brings you a lot of joy and happiness. कलेक्टर शीलेंद्र सिंह के मार्गदर्शन और पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री की अध्यक्षता में 4 सितंबर को कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभाकक्ष में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक का उद्देश्य आगामी गणेश उत्सव, ईद मिलाद उन नबी और पर्युषण पर्व के दौरान कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रबंधों पर चर्चा करना था। इस बैठक में जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, शांति समिति के सदस्य और विभिन्न उत्सव समितियों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। बैठक में सीओ जिला पंचायत सुश्री तनुश्री मीणा, अपर कलेक्टर केसी बोबचे, एएसपी एपी सिंह, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती ज्योति ठाकुर, एसडीएम छिंदवाड़ा सुधीर कुमार जैन, नगर निगम आयुक्त सीपी राय व यातायात सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं शांति समिति के सदस्यगण और विभिन्न उत्सव समितियों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री ने सभी उपस्थित सदस्यों को गणेश उत्सव और ईद मिलाद उन नबी की शुभकामनाएं देते हुए सभी त्योहारों को शांतिपूर्ण और भाईचारे के साथ मनाने की अपील की। उन्होंने बताया कि पुलिस और प्रशासन हर समय सेवा में तत्पर रहें, लेकिन उत्सव समितियों को सलाह दी गई है कि वे व्यक्तिगत सुरक्षा का ध्यान रखते हुए पूर्व सूचना देकर ही चल समारोह और अन्य गतिविधियों का आयोजन करें। बेहतर प्रबंधन के लिए उत्सव समितियों को अपने स्तर पर वॉलंटियर्स नियुक्त करने और उन्हें आईडी कार्ड प्रदान करने के भी सुझाव दिया गया है। गणेश पंडालों में लाउड स्पीकर और डीजे के असली गाने नहीं बजाने चाहिए, मन धार्मिक गाने बजे और उसका साउंड कम रहे, कान कुड़ू ना रहे और एक समय रात्रि के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक उसका प्रतिबंध रहे। जो भी यदि कार्यक्रम होता है इसी बीच में कार्यक्रम आयोजन का हो, माने इस बीच में रात्रि में कार्यक्रम ना हो और यदि ऐसा कोई स्थिति बनती है कि साहब हमको माने कुछ विलम्ब हो रहा है कार्यक्रम में तो उसकी अनुमति दें और एक वो एक कराया जा चुका है, माने मिट्टी की गणेश जी के मूर्ति है और प्लास्टर ऑफ पेरिस या और जो दूसरे हैं उनकी नार है, केमिकल वाली प्रतिमा ना हो अन्यथा जल प्रदूषित होता है। गणेश विसर्जन 17-9 तक चलता रहता है, इस बीच में माने फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाए, उसमें मेडिकल टीम है। शराब की दुकानें बंद रहने का पिछले बार सुझाव था तो इस बार भी माने देखिए उसको बंद करने का निर्देश करेंगे। विगत कुछ दिनों से सड़कों पर यातायात व्यवस्था की निगरानी करने वाली यातायात पुलिस आज सड़कों से नदारद नजर आई। परिणाम स्वरूप आज फिर शहर में लोगों को अव्यवस्थित यातायात की समस्या से जूझना पड़ा। स्थानीय फव्वारा चौक, अनगढ़ हनुमान मंदिर के आसपास मुख्य सड़क पर दिन भर में कई बार जाम की परिस्थितियां निर्मित हुई, जिसे व्यवस्थित करने के लिए कोई मौजूद नहीं था। यहां वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं, वहीं वाहन चालक अपनी अपनी सुविधा से वाहन निकालते नजर आए। त्योहारों के सीजन के दौरान वैसे भी शहर के मुख्य बाजार क्षेत्रों में लोगों की आवाजाही अधिक होती है, ऐसे में यातायात व्यवस्था की जिम्मेदारी उठाने वाली यातायात पुलिस का मौके से मौजूद न रहना प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर सवाल निशान खड़े करता है। We'll be right back.
श्वेतांबर जैन समाज व गुजराती समाज के सदस्यों ने आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए मांग रखी कि आगामी पर्यटन पर्व पर कत्ल खाने व मांस विक्रय की दुकानें बंद रखी जाएं। इस दिन सभी लोग जीव दया का पालन करते हुए किसी भी जीव की हत्या न करें। जीव हत्या बंद करो, बंद करो। जीव हत्या बंद करो, बंद करो। कत्ल खाने बंद करो, बंद करो। जैन श्वेतांबर संघ का ये हमारा सबसे बड़ा त्यौहार होता है और इस दिन हमारी मांग है कि कत्ल खाने और मांस मछली का विक्रय बंद हो। इसके लिए ज्ञापन हम लोग दे रहे हैं और शासन से चाहते हैं कि इसके ऊपर तुरंत निर्देश दिए। श्री संघ विनती करता है और श्री संघ मतलब तीनों गुजराती समाज जैन समाज सभी लोग आपसे अनुरोध करता है 7 तारीख को कत्ल खाने सब बंद रहे, जीव दया का पालन करें। सभी लोग से विनती है उस दिन सभी लोग जीव दया का पालन करें। पर्यूषण पर्व हमारा जीव दया हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य रहता है। सभी लोग से निवेदन है जीव दया का पालन करें। गौरव दिवस के उपलक्ष्य में आज पंडित नेहरू स्कूल के छात्र छात्राओं ने महाकाल मोक्षधाम मंदिर में साफ सफाई की, साथ ही वृक्षारोपण कर सभी ने पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। इस मौके पर महापौर विक्रम आहके व स्कूल स्टाफ के साथ बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। राष्ट्रीय ओबीसी महिला महासंघ छिंदवाड़ा के द्वारा आज एक स्थानीय होटल में शिक्षक दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन कर देश की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले को याद किया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ की प्रदेश अध्यक्ष रत्नमाला पिसे व जिलाध्यक्ष निरूपमा ब्रह्मे का शॉल और पुष्पगुच्छ से सभी महिलाओं ने स्वागत अभिनंदन किया। साथ ही शिक्षक दिवस पर वंदनीय व पूजनीय भारत देश की प्रथम शिक्षिका वरिष्ठ समाज सेविका क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले की छायाचित्र पर माल्यार्पण कर सभी मातृशक्तियों ने नमन करते हुए आभार व्यक्त किया। प्रदेश अध्यक्ष रत्नमाला पिसे ने स्वरचित पंक्तियों से सावित्रीबाई फुले के कार्यों का वर्णन किया। कार्यक्रम में मीनाक्षी ब्रह्मे, संगीता वानोडे, जयश्री घोड़े, उर्वशी वानोडे, सीमा कठाने, छाया वानोडे, रमा सांभारे, माया ढोबले, निर्मला कठाने, मनीषा कृपाण, वर्षा बालपांडे, मंदा घाटोले, कुंतला घाटोले, अंजना साहू, विनीता साहू, मनीषा दोईजोड़, अंजलि मैकारकर सहित अन्य महिलाएं उपस्थित रहीं। और अब इन तमाम खबरों को समेटने के साथ देखते हैं सुर्खियां। अंत में एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस को। छिंदवाड़ा पांडुना संसदीय क्षेत्र के सांसद एकबंटी साहू ने बागेश्वर धाम पहुंचकर किया दर्शन, पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी से लिया आशीर्वाद। छिंदवाड़ा प्रेस एसोसिएशन के चुनाव हुए संपन्न, सर्वसम्मति से सभी पदों पर निर्विरोध चुने गए पदाधिकारी, वरिष्ठ पत्रकारों के साथ साथियों ने दी शुभकामनाएं।
कृषि अनुसंधान केंद्र चंदनगांव में आयोजित ताजे पानी में मोती की खेती प्रशिक्षण का हुआ समापन। जबलपुर संभाग कमिश्नर व कलेक्टर हुए कार्यक्रम में शामिल। और छिंदवाड़ा गौरव दिवस पर कार्यक्रम की प्रस्तुति देने छिंदवाड़ा पहुंची सिंगर इशिता विश्वकर्मा, पत्रकारों से चर्चा कर दी जानकारियां। इस बुलेटिन में खबरों का सवाल नाम फिलहाल यहीं तक था। आप सभी खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक दीजिए अनुमति, नमस्कार।